जब दिन भर काम करके या फिर खेल के हमारे पैर दुखते हो, तो इच्छा सिर्फ एक ही होती है कि कुछ भी करके अभी हम उड़ने लग जाए। ये हमारी इच्छा तभी पूरी होती है अगर हम छोटे बच्चे हैं और मम्मी पापा ने हमें गोद में उठा लिया। हमारे पास ये एक पेन है जिसकी ये उड़ने की इच्छा हमारे ये दो मैग्नेट्स मिलके पूरी करते हैं। तो मैं हूँ अदिति और आज हम ये देखेंगे कि ये पेन क्यों और कैसे उड़ती है। तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। तो ये उड़ती हुई या लेविटेटिंग पेन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईवा शीट या कोई चप्पल का टुकड़ा चाहिए, एक कटर, आइसक्रीम स्टिक, पेन और 3 रिंग मैग्नेट्स लगेंगे। पर बस ये ध्यान में रखें कि चप्पल जो है वो पुरानी ही हो। अगर नई चप्पल को काटा तो चप्पल से ही पिटाई भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जो ईवा शीट है उसके एक साइड में एक आर पार कट लगा देंगे ताकि हम इसमें ये जो आइसक्रीम स्टिक है उसे खड़ा कर सके। अब ये पहले कट के सामने हम और एक आर पार कट लगाएंगे जिसमें हम ये जो 2 रिंग मैग्नेट है उसे फिट कर लें। अब ये जो तीसरा मैग्नेट है इसे हम पेन के पीछे की ओर लगा देंगे। अगर ये मैग्नेट थोड़ा लूज हो तो हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे जिसे हम ये पेन के चारों तरफ ऐसे लपेट देंगे ताकि ये जो मैग्नेट है वो इधर ऐसे फिक्स हो जाए। तो अब ये हिल नहीं रहा है। अब ये जो 2 ईवा शीट वाले मैग्नेट्स है ये हमारे पेन के मैग्नेट को अट्रैक्ट करने चाहिए। अगर ये रिपेल कर रहे हो तो इन्हें निकाल के 180 डिग्री घुमा के फिर से वहां ही लगा देंगे। ये पेन के मैग्नेट को बेस के मैग्नेट से थोड़ा पीछे रखना है। तो अब ये पेन को आइसक्रीम स्टिक में टिका के छोड़ दे तो ये हवा में उड़ने लग जाएगा। ये लेविटेटिंग पेन को और सुंदर बनाने के लिए हम एक कागज की स्ट्रिप इसके ऊपर ऐसे लपेट सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पेन उड़ता कैसे है। तो बेस के मैग्नेट का ये कर्व्ड हिस्सा पेन के मैग्नेट के इस कर्व्ड हिस्से को अट्रैक्ट करता है कुछ इस तरीके से। इस वजह से ये जो पेन है ये सामने की ओर आने की कोशिश करता है, लेकिन सामने हमारे पास ये एक आइसक्रीम स्टिक का दीवार है जो पेन को सामने नहीं आने देता। इस वजह से ये पेन इसी पोजीशन में खड़े रहता है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखे, अब हम वर्टिकल फोर्सेस भी देखते हैं। ग्रेविटी इस पेन को नीचे की ओर खींचती है, लेकिन बेस मैग्नेट का ये फ्लैट सरफेस पेन के मैग्नेट के इस फ्लैट सरफेस को रिपेल करता है कुछ इस तरीके से। तो इस वजह से ये पेन नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन रिपल्शन के कारण ये ऊपर ही रह जाता है। ग्रेविटी इसे नीचे की ओर खींचती है और मैग्नेटिक रिपल्शन इसे ऊपर की ओर धकेलता है। तो इस कारण ये पेन जो है ये इसी पोजीशन में रहता है। अब ये पेन आराम से हवा में है और इसे हम घुमा भी सकते हैं। ये पेन इतनी देर इसलिए घूमता है क्योंकि आइसक्रीम स्टिक और पेन के निब के बीच में फ्रिक्शन काफी कम है। अगर हम आइसक्रीम स्टिक को किसी चिकनी चीज जैसे कि सीडी या फिर प्लास्टिक से रिप्लेस कर दे तो ये पेन और भी देर घूमते रहेगा। अभी तो ये पेन का मैग्नेट बेस के मैग्नेट के पीछे है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमने ये पेन के मैग्नेट को बेस मैग्नेट के आगे रख दिया तो क्या हम ये मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन को चेंज करके इस पेन को हवा में रख सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे चाइना की ट्रांस रैपिड जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो भी चलती है। मैग्नेट्स की मदद से ये ट्रेन पटरियों को बिना छुए हवा में चलती है, और क्योंकि ये पटरियों से ऊपर हवा में चलती है इसलिए इसमें फ्रिक्शन कम लगता है और ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल पाती है। जापान भी एक ऐसा ही ट्रेन बना रहा है जिसका स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी पेन के फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्कूल की बच्ची को इंटेल के इंटरनेशनल साइंस कंपटीशन में 2nd प्राइज मिला था, और इसमें उसे शील्ड के साथ साथ एक माइनर प्लैनेट उसके नाम पे रखा गया था। तो ऊपर आसमान में एक माइनर प्लैनेट है जिसका नाम हमसा है। नासा के पास अब भी 70,000 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका नाम नहीं रखा गया है। तो ऐसे छोटे छोटे खिलौनों को समझकर और समझाकर आप भी आसमान में छा सकते हैं। थैंक यू।